आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी गर्म हो चुकी है। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस के पिटाई के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद सपा कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टी के नेता, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी के अजय कुमार लल्लू, सभी पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर पहुंचे थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार की सभी मांगे मानी है और आज मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को OSD पद की नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर कानपुर पहुंचे। कि इस घटना की सच्चाई पता लगे कि ऐसा किया क्यों गया, CBI जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं उसकी जांच अभी प्रारंभ नहीं हुई, वो जांच भी प्रारंभ हो ये भी हम लोग चाहते हैं। और पीड़ित परिवार का मतलब उनकी पत्नी जो मीनाक्षी जी हैं, 16 अक्टूबर मनीष जी की जन्मतिथि है, उनका बहुत हृदय द्रवित है, लेकिन उनका ये कहना है कि उससे पहले, अगर 16 अक्टूबर से पहले वो गिरफ्तार हो जाएंगे जो दोषी पुलिसकर्मी हैं और CBI जांच हो जाएगी, तो उसका उससे कुछ उनके जो जख्म हैं उनको शायद मरहम मिल सकता है। खबर रायबरेली से है, जो एक